दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से बढ़िया होंगे। तो गाइस, काफी सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि मैम आपने जो न्यू पिजन पकड़ा था अभी वो कैसा है या आपने उसको कहाँ पर रखा हुआ है, सब कुछ आप लोगों को जानना है। तो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ कि वो जो पिजन मैंने पकड़ा था उसको मैंने अभी अपने बर्ड सेटअप में रखा है और ये देखिए यहीं पर वो बैठा हुआ है। तो गाइस, अभी हमारे लिए तो ये नया ही है, हमारे सेटअप के लिए भी, और ये जो हमारा प्यारा सा बर्ड्स का ये माहौल है इसके लिए तो सब कुछ अभी नया ही है। तो जब ये आया था तो मैंने देखा था कि काफी सुस्त सा, और मैंने इसको फीड, मैंने बताया था कि फीड ये कम, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये भूखा है। तो मैंने कुछ इसको दाना भी खिलाया था, तो दाना पानी मैंने इसके लिए रखा तो बहुत कम फीड दे रहा था। तो मुझे लगा शायद ये कहीं ना कभी हो सकता है शायद ये बीमार हो। तो फिर मैंने इसको दवाई वगैरह दी, इसका ट्रीटमेंट किया, तो फिर ये मुझे लगा कि अभी ये ठीक हो गया है। मैंने खुद से फीड वगैरह ली तो अभी बिल्कुल ठीक रह रहा है, ये अच्छे से है। तो गाइस, अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी कुछ टाइम और ले लेते हैं कि ये, ताकि अच्छे से हमारे बर्ड सेटअप में ये यहाँ पर सेटल हो जाए और अच्छे से अपने आप को कम्फर्ट इसको लगने लगे कि हाँ ठीक है, क्योंकि अभी नया नया आया तो इसको भी पता नहीं लग रहा होगा मैं कहाँ आ गया हूँ अचानक से। तो अगर मेल और फीमेल का गाइस बताऊं तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो अगर ये मेल निकलता है तो भी मेरे लिए बेनिफिट है, और अगर ये फीमेल होती है तो उससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पहले बता ही दिया था कि मैं जो गज की कबूतरी मिसिंग है हमारे पिजन सेटअप से, उसकी जगह मैं फिर इसको रखूंगी वहां पर। तो दोनों बातों में मेल में तो बेनिफिट होना ही होना है। तो अभी वैसे अच्छे से रह रहा है, कोई नहीं, और कबूतर भी काफी अच्छा है ये। तो गाइस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसलिए क्योंकि मैंने नया कबूतर एक तो पकड़ा, और फिर अगर ये अच्छे से यहाँ पर रह लेता है बाकी हमारे पिजन, बाकी के पिजन के साथ घुल मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है। और बाकी आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहती थी, जैसा कि गाइस मैंने यहाँ पर काफी सारे कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो गाइस, ये वाला जो हमारा केस देख रहे हैं आप, इसके अंदर मैंने बजर अपने रखे हुए थे पूरे के अंदर, जब तो बजी रह रहे थे, तो अभी मैंने इसके लिए इसको दो पार्टीशन में कर दिया है। ऊपर जो है मैंने इसके अंदर जितने भी हमारे अभी ब्राउन पिजन और साथ ही में सिराजी के बेबी जितने भी निकले थे अभी, तो उनको मैंने इसके अंदर यहाँ पर रखती हूँ मैं फीड लेने के बाद, और इसको यहाँ बंद कर देती हूँ सभी को क्योंकि ये ठीक है इनके लिए। और नीचे देखिए मैंने सारे बजी इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, तो ये बजी यहाँ पर रह रहे हैं हमारे। और चलिए अभी मैं ये दिखा देती हूँ गाइस, ये वाला जो केज है ये पूरा का, इसके अंदर देखिए ये जो ऊपर वाला, इसके भी दो पार्टीशन है। इसके अंदर पहले जावा रह रही थी हमारी, तो अभी जावा, तो इसके अंदर जावा ने फिर से एक बार एगले कर दिया है, आई थिंक बेबी भी है, तो अभी मैंने उसको छेड़ा नहीं है। तो बाकी की जो हमारी फिंचेस हमारे बर्ड सेटअप में फ्री रह रही थी तो सभी को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि फिंचेस ने भी बहुत परेशान करके रखा हुआ था, कभी एग्स खराब कर देती हैं, कभी बच्चे नीचे गिरा देती हैं, इनका भी यही लगा रहता था। तो इसको पूरे में मैंने यहाँ पर फिंचेस रख दिए, और नीचे हमारा सिराजी पेयर है, क्योंकि गाइस अभी वो जो उनका बच्चा भी अभी जल्दी में ही निकल गया है, वो भी मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उनको भी ठीक नहीं है परेशान करना। तो अभी कुछ दिन जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता इसको यहाँ रह लेने देते हैं, और फिर हम इसको बाहर फ्री रखेंगे। और साथ ही में गाइस देखिए ये वाली जो पेटी है हमारी, ये वहाँ कॉर्नर पर रखी हुई थी तो वहां से मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और पहले से थोड़ा इसको ऊंचा कर दिया है तो अभी यहाँ पर अच्छी लग रही है। इसमें तीनों में ही पेयर रहते हैं हमारे, तो ये भी फुल है। और साथ ही में देखिए यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये वाला जो गाइस दोनों केस देख रहे हैं आप, नीचे लॉन्ग टेल बर्ड है और ऊपर हमारी गोल्डन फिंचेस है। इनको पहले मैंने बाहर रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने देखा कि रात में साइड से थोड़ा थोड़ा जैसे खुला रह जाता है अभी, तो इनको हवा लगती है तो वो अभी इनके लिए ठीक नहीं है, तो फिर मैंने इनको वहां से यहाँ शिफ्ट कर दिया है। और ये वाली जो टेबल है इसके ऊपर मैंने अपने पहले मैंने अपनी डायमंड डब्स का केज रखा था, तो देखिए डायमंड डब्स को मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये देखिए ये डायमंड डब्स यहाँ रख दी है। और ये वाला केज गाइस अभी खाली है, तो इसको मैं कुछ दिन में अभी क्लीन करके और फिर देखती हूँ इसके अंदर मेरे को क्या रखना है क्या नहीं, वो मैं बाद में देखेंगे। और हाँ, ये भी देख लीजिए गाइस, ये मैंने यहाँ से अभी क्या करती हूँ मैं कि दिन में ना, जैसे पहले पूरा कवर रहता था सर्दी की वजह से, तो अभी मैं इसको दिन में समथिंग 12 बजे के आसपास इसको ऊपर कर देती हूँ, ये जो तिरपाल है, ताकि इन लोगों को अच्छे से हल्की हल्की सेटअप में भी हवा धूप सब कुछ आती रहे, अच्छे से वेंटिलेशन होता रहे। और जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो बहुत बार टूटी फटी हो जाती है, तो वो सब भी ठीक रहेगा, मुझे भी फायदा है इनके लिए भी।
तो और रात में 5 बजे के आसपास फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो ये सारे चेंजेस किए हैं गाइस मैंने अपने बर्ड सेटअप में। अभी कुछ और भी करने का सोच रही हूँ मैं, तो जैसे ही मैं आगे और चेंजेस करूंगी और कुछ प्लांट्स भी लेकर आने हैं मुझे भी, जैसे जैसे अभी समर सीजन आने वाला है तो कुछ प्लांट्स भी लेकर आऊंगी और आप लोगों को भी विजिट कराऊंगी। तो ठीक है फैमिली, ये था मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल ग्रोवर कॉफी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।